कमल एकेडमी कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डे ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। इससे पहले हमने कल पढ़ा था एडिशन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन इजीली जो है वो तो आपको सबको आता है, ठीक है, लेकिन आज हम आपको उसका आंसर कैसे चेक करना है वो हम आज आपको सिखाएंगे, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं देखिए, आप आपने देखिए कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया जाता है, तो ऊपर वाले जो ग्रेटर नंबर होता है उसको बोलते हैं माइन्यून, जिस नंबर में से नंबर माइनस किया जाता है उसको बोलते हैं माइन्यून, जिस नंबर को माइनस किया जाता है उसे बोलते हैं सबट्रैक्ट, और जो उनको माइनस करने पर उसका जो आंसर आता है आंसर को कहा जाता है डिफरेंस। ओके, माइन्यूट माइनस सबट्रैक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस। अब हम इसको देखिए माइनस करते हैं, तो अब आप इसको सिंपल माइनस करिए, ये 10 में से 3 आपका नहीं जा रहा, स्मॉलर नंबर है ये, तो हमने इसे बोरो लिया, ये बन गया आपका 10, 10 में से 3 माइनस किया आंसर आया 7, ये बन गया आपका 7। ओके, अब 7 में से भी आपका 9 माइनस नहीं हो रहा है, तो 7 में से बोरो किया, तो बोरो करके क्या बन गया ये 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आया 8, और इससे हमने बोरो किया था ये क्या बन गया था 2, अब 2 में से भी 5 माइनस नहीं हो रहा, इसने इससे 0 से बोरो किया, तो 0 से बोरो करने पर ये क्या बन गया 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब जिस 0 से बोरो किया जाता है वो 0 एक नंबर बिफोर होगा तो वो बन जाता है हमेशा 9, 0 से बोरो करें तो 0 क्या बनता है 9, 9 में से 7 माइनस किया आंसर इज 2। अब इसने बोरो नहीं किया था, ये 5 का 5 ही रह गया, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 7 सेम है तो आंसर आएगा 0, 2 में से 0 माइनस किया आंसर आया 2, 8 में से 2 6। अब आपका सब्ट्रैक्शन का सम तो क्लियर हो गया आपको, अब हम इसका कैसे आंसर चेक करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। अब आंसर चेकिंग के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ये नीचे का नंबर आपको मैंने बताया ना सबट्रैक्ट होता है, और ये आंसर को कहते हैं डिफरेंस, तो इसका फॉर्मूला है सबट्रैक्ट प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस। अगर हम इसको सबट्रैक्ट को और डिफरेंस को प्लस कर लेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो इज इक्वल टू माइनस, सेम आंसर आएगा, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके, अब हम देखिए चेक करके देख रहे हैं, हमने ये क्या किया है माइन्यूट को यहाँ लिख दिया, सॉरी सबट्रैक्ट को यहाँ लिख दिया, और डिफरेंस इन दोनों को हमने प्लस किया है, देखिए आंसर आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 और 3, 3 प्लस 7 10 की 0 कहने लगा 1, 9 और 1 10 और 8 18 की 8 कहने लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13 की 3 कहने 1, 7 टू 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, 7 और 0 7, 0 और 2 2, 4 6 8। अब आपका आंसर आया है 8,27,60,380 एंड योर माइन्यूट इज 8,27,50,380 वो था सेम, सो योर आंसर इज करेक्ट, सो योर आंसर इज करेक्ट। व्हेन जब हम सबट्रैक्ट को और डिफरेंस को प्लस कर लेंगे और प्लस करके करने पर आपका आंसर माइन्यूट ही आ जाए, माइन्यूट की तरफ सेम नंबर आ जाए, उसको क्या आपका इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट।
क्लियर हुआ सबको?